हाँ, इमरान खान के साथ अब उनके वफादार जनरल फैज हमीद पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान समेत उनके 250 सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और आरोप ये लगाया है कि एक मामले में पेशी के दौरान इमरान खान अपने सहयोगियों के साथ इस्लामाबाद के रमन्ना पहुंचे थे और यहाँ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जमकर तोड़फोड़ की थी। बताया जा रहा है कि इमरान खान हमीद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि जब से इमरान खान ने पूर्व जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, तब से पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार के निशाने पर इमरान खान और उनके वफादार अधिकारी आ गए हैं। इसी के चलते पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज और अनेक सरकारी अधिकारी जो इमरान खान के करीबी और वफादार बताए जाते हैं वो पाकिस्तानी फौज और सेना के निशाने पर हैं। ये जो FIR की गई है इसमें भी उनके 15 करीबी लोगों के नाम है और इसके अलावा 250 अन्य लोगों को नामजद किया गया है। जी, अभी हाल फिलहाल में ही फैज हमीद पर सारा दोष मढ़ा गया था कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी क्यों उरूज पर है, और उसका भी दोष फैज हमीद पर भी मढ़ा गया था। जनरल असेंबली में ये हुआ था। धन्यवाद OP तिवारी। हालांकि उनके लिए मौसम एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। बर्फबारी के बाद हुई बारिश से वहां की जमीन कीचड़ से भर गई है, जिसमें तोप, टैंक और दूसरे भारी हथियार धस रहे हैं। इसी वजह से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके हल्के हथियारों के साथ पैदल ही शहर की तरफ कूच कर गए। हालांकि ये परेशानी यूक्रेन के सैनिकों के सामने भी मुंह बाय खड़ी है। वो भी भारी हथियारों के साथ तेजी से आगे बढ़कर पलटवार नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वो शहर में एक छोटे से दायरे में घिरते जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके पास हथियारों की भी भारी कमी हो गई है। वहां लड़ रहे यूक्रेन के एक कमांडर के मुताबिक अगर उन्हें जल्द बड़ी मदद नहीं मिली तो बखमूत उनके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा वक्त से वहां जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों की संख्या में काफी कमी हो गई है। जबकि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के भीषण हमले की वजह से घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बखमूत के पास ही अस्थायी तौर पर बनाए गए एक अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल सैनिक नजर आए। किसी को गोली लगी तो कोई टैंक के गोले की चपेट में आकर जख्मी हुआ था। वहां इलाज करा रहे सैनिकों के मुताबिक बखमूत में हालात इतने खराब हैं कि जिन सैनिकों को हल्की चोट लगी है वो दवा लेकर मोर्चे पर रवाना हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मान रहे हैं कि बखमूत में उनकी सेना के लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन वो